टॉक, क्योंकि आप लोग बहुत पूछते रहते हैं कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो बात यह है कि आज मैं फर्स्ट टाइम कनाडा के अंदर टोरंटो शहर में, मतलब मिल्टन में, जो मेरा इलाका है, वहां पे उबर ईट्स करने वाला हूँ। और मैंने इंस्टाकार्ट के लिए भी जो है वो आई थिंक अप्लाई कर दिया ऑलरेडी। तो उसका जो है वो प्रोसेस कुछ होता है, अब वो बैकग्राउंड चेक वगैरह होना बाकी है, तो वो भी काम हो ही जाएगा सारा। तो आज जो है वो उबर ईट्स करने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि उबर ईट्स में ऑन एन एवरेज पर आवर कितने पैसे बनते हैं। भाई जान, उबर ईट्स कर रहा हूँ मिल्टन के इलाके में, अब तक एक घंटे में तकरीबन जितने भी बना लिए हैं, आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं। ऑर्डर पिकअप कर लिया है भाई जान, ये है $10 का ऑर्डर, जबरदस्त है भैया। मगर एक और ऑर्डर आ गया, यहीं का जा रहा हूँ यहाँ से लेने के लिए। फू है, फू छू जो भी है, इस जगह से देख लो, दो ऑर्डर ले लिए। वो खड़ी हुई है अपने टाइगर चेंग। हाँ, ये दोनों ऑर्डर रख दिए हैं, अब निकलते हैं। देखो उबर ईट्स करते हुए क्या गाड़ी नजर आई है मुझे, यही गाड़ी हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में दी यार, लिटरली मतलब पहली दफा मैंने कनाडा में ये वाली गाड़ी देखी है, टोयोटा इको। और हम लोग समझते थे यहाँ पे है ही नहीं ये वाली गाड़ी। अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखे होंगे तो जाके देख लेना पिछली, आपको समझ में आ जाएगा। और इसी के ऊपर मैं उबर ईट्स किया करता था और अब मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ, वो थी 1300 cc और ये है 2300 cc। सो बड़ा फर्क है, बट ये कि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इससे, यहाँ के रास्ते, ट्रैफिक, रेस्टोरेंट्स वगैरह, आगे चल के अगर कोई ऐसा बिजनेस करना होगा, लोगों से बातचीत करके और चीजें करके, मतलब उबर ईट्स से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कस्टमर सर्विसेज आपकी और बेहतर होती है, मुझे सिडनी में किसी भी GPS की जरूरत नहीं होती थी, और अब यहाँ पे भी आगे चल के जब मैं ये काम करता रहूंगा तो ओंटेरियो में कोई GPS की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। One hour later. अपार्टमेंट वगैरह में बड़ा टाइम जाया होता है, अभी अपार्टमेंट नहीं आया हूँ, मतलब गाड़ी पार्क करो, फिर उनको यहाँ पे लाके दो, फूड मंजन, एक अलग ही चक्कर होता है। घर में आसानी होती है, फटाफट मतलब गाड़ी बाहर पार्क की, ड्राइववे में वहीं पे जाना, आपने डिलीवर कर दिया फूड, सामने रखे, निचले तस्वीर खींची, चल भाई खत्म, यार ना ये कि यहाँ पे लिफ्ट का भी इंतजार करना पड़ता है, क्या क्या चीजें होती है यार ऊपर, इसमें तुम लोगों को समझ नहीं आता कितनी हैजिल होता है, इजी मनी नहीं होती। अब देखो वहां मैंने गाड़ी पार्क की हुई है अपनी, और जो है वो मैं यहाँ बिल्डिंग में से होकर आ रहा हूँ। बात यह है कि उबर ईट्स के अंदर जो मैंने बनाए हैं, ऑन एन एवरेज समझ लो मैंने 3 घंटे काम किया और उसके अंदर मैंने बनाए हैं $62-$63 समझ लो। तो बात यह है कि सब मिला के ये बनते हैं ऑन एन एवरेज $20 पर आवर, और अगर इसको $5 की इसमें ज्यादा फ्यूल लगा होगा, मेरा जो गैस लगी होगी, सो आप समझ लो कि $55 लगे 3 घंटे में, तो आई थिंक नॉट टू बैड। अच्छा, चक्कर ये होता है उबर ईट्स का यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का, अगर उबर ईट्स की बात करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि कनाडा का जो बेस फेयर होता है ना, मतलब अगर मैं टोरंटो की बात करूं तो यहाँ का जो बेस फेयर होता है वो $3 होता है। तो अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया से अगर आ रहे हैं तो जो है वो आप सोचोगे कि यार वहाँ पे बेस फेयर जो होता था उबर ईट्स वालों का, वो एटलीस्ट $6 तो होता ही था, छोटी सी डिलीवरी हो चाहे थोड़ी दूर की डिलीवरी हो, जितनी ज्यादा होती थी फिर सर्च लगा हुआ होता था, ये होता था, होता था, काफी चीजें मैटर करती थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बेस फेयर आपका $3 होता है, बट क्योंकि कनाडा के अंदर समझ लो नॉर्थ अमेरिका में टिप का जो है वो बहुत ज्यादा कल्चर है, आपको कुछ ऐसे भी आ रहे होते हैं उबर ईट्स के जो है वो ऑर्डर के $3 ही दिखा रहा होता है, 5 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर के, 6 किलोमीटर के, आप बोलोगे अबे पागल वागल हो क्या, मतलब क्या चल रहा ही है। तो जो है वो उसके बाद दूसरे भी ऑर्डर आने लगते हैं, धड़ाधड़ ऑर्डर आ रहे होते हैं मिल्टन के इलाके में, ये अच्छी बात है कि मतलब ऑर्डर आते रहते हैं। तो बात ये है कि उसके बाद जो है वो दूसरे भी ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो वो $6 भी होते हैं, $7 भी होते हैं, $9 भी होता है। अब चक्कर ये होता है कि बेस फेयर तो होता है आपका $3 या $4 इस तरह हो गया, अब जब आपने, मैंने जैसे 1 घंटा काम किया तो मेरे पास जो है वो 1 घंटे के बाद समझ लो आए $10-$12। तो मैंने सोचा कि यार मतलब मैंने तो जो एस्टिमेटेड ट्रिप था वो कुछ और दिखा रहा था, 2 डिलीवरी के दिखा रहा था $13, और ये तो मेरे पास मिला के जो है वो $12-$13 आ रहे हैं, जो कि मैंने 4-5 जो है वो ड्रॉप किया ऑर्डर, तो ये क्या चक्कर है। अब यहाँ पे ये होता है कनाडा के अंदर कि 1 घंटे के बाद जो टिप होती है वो आपकी अपडेट होती है 1 आवर के बाद, जब भी आप डिलीवरी करोगे, जैसे आपने शाम को 5 बजे को डिलीवरी की पहली और आपका जो बेस फेयर था वो $3 था और डिलीवरी के साथ जो है वो $10 बन रहा था लेट सपोज, तो
आपका जो $10 है मतलब $60 का जो अमाउंट है वो आपको एक घंटे के बाद उबर के सिस्टम में अपडेट होगा, सो विच इज नॉट टू बैड। तो पहले से जो है वो जजमेंटल ना होना, मेरी तरह मैं भी जो है वो थोड़ा सा वो हो रहा था फ्रस्ट्रेट कि यार मतलब ये क्या पागलपन है, मैं तो वहाँ पे जो है वो ज्यादा कमाता था वो होता था, तो उसके बाद इतना ऑन एन एवरेज बन गया। अब बात यह है कि जो है वो काफी लोग जजमेंटल भी हो जाएंगे, जो लोग सोच रहे होंगे स्पेशली जो लोग ऑस्ट्रेलिया यूके वगैरह से आते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि पे रेट ऑब्वियसली ज्यादा है जॉब्स का, मतलब यूके में तो ऑब्वियसली कमी है, मैंने देख रहा था £7 per hour के हिसाब से होता है ऑस्ट्रेलिया में, बट अगर किसी भी वेज की बात करें तो वहां पे तकरीबन $21.50 बनता है, $21.50 बनता है जो मिनिमम वेज है। कोई सा भी काम करोगे इतने पैसे तो आपको मिलने ही चाहिए, बट ये कि इससे ज्यादा ही मिलने हैं, आजकल तो $25 per hour भी मिल जाते हैं। और यहाँ का जो कैनेडा का वेज है वो है जो मिनिमम वेज है ओंटेरियो की अगर मैं बात करूँ $15.50 per hour है, मतलब वॉलमार्ट में चले जाओ नो फ्रिल चले जाओ, कोई भी ऐसी चीज हो, कोई पाकिस्तानी आपको अपने पास रख रहा हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो आपके पास, तो वो आपको यही बोलता है कि भाई $16 per hour से जो है ना आपका स्टार्टिंग होगा, फिर हम 4-6 महीने के बाद देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ये है वो है, आजकल यही मंजन चल रहा है। उस लिहाज से अगर आप बात करो तो 8 घंटे में अगर आप किसी जॉब में जा रहे होगे तो आपके एटलीस्ट जो है वो अगर $16 per hour के हिसाब से लगाऊं मैं तो $128 बनते हैं 8 घंटे, सही है, अब वो बन गए आपके। उसके बाद फिर आप समझ लो $10-12 आप लगाओ ट्रांसपोर्टेशन के, उसके बाद जो है वो 1 घंटा आप जाने का लगाओ जॉब पे, 1 घंटा आप आने का लगाओ, तो कितने हो गए जी 10 घंटे हो गए मेरे हिसाब से, सही है ना। अब 10 घंटे में आपको $130 के हिसाब से मतलब कितने बनते हैं $13 per hour, ये वो चीज है जो मैं आपको मतलब नॉर्मल ऐसी उंगलियों पे हिसाब किताब करके बता सकता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अब टैक्स शामिल नहीं है, अगर आप टैक्स $10 भी काट लोगे तो आपके $13 से भी कम बनेंगे हिसाब से, अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो जो लोग कैनेडा में रहते हैं मुझे जरूर जो है वो करेक्ट कर दीजिएगा। उबर ईट्स की एग्जाम्पल दूं तो अगर उबर ईट्स मैं अपने ही इलाके में मिल्टन में करता हूँ तो 3 घंटे में अगर मेरे $20 बनते तो वो मतलब 3 घंटे का मतलब है कि 3 घंटे ही होंगे, 5 बजे अगर मैं शाम को काम करूँ तो रात को 8 बजे तक $60, क्या पता उससे ज्यादा भी बन जाए। बट ये कि काफी लोग ये भी कहते हैं कि ओकविल के इलाके में मिसिसागा में या फिर बर्लिंगटन वगैरह में काफी जो है वो टिप ज्यादा अच्छी मिलती है क्योंकि वहां पे शायद गोरे रहते हैं या ऐसा कोई चक्कर है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मतलब क्या चक्कर है। अगर मैं जैसे ही मौका मिलता है तो मिल्टन के इलाके से हटके ओकविल और बर्लिंगटन में भी उबर ईट्स करूंगा, तो उसके बाद अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा वो शेयर करूंगा, क्या पता 3 घंटे में वहां पे इससे भी ज्यादा बन जाए। तो ये था मैंने सोचा कि आपको अपना एक्सपीरियंस कैनेडा में उबर ईट्स करने का जरूर शेयर करता हूं। सो बेसिकली सीन ये है कि जब आपको एक फ्रीलांस सेल्फ एम्प्लॉयड काम करके जो है वो $16 या $20 इवन जो है वो अगर $16 तो खैर नहीं मिल रहा है $20 per hour मिल रहा है समझ लो, तो फिर कोई बंदा फिर $16 per hour पे स्टार्ट क्यों करेगा, मतलब अगर ये काम चल रहा है एज लॉन्ग एज यू हैव अ कार, ठीक है जिनके पास गाड़ी नहीं है आई थिंक उनके लिए ठीक है कि वो जो है वो जॉब इस तरह की स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो अशर की फील्ड है वेयर हाउस की फील्ड जो थी जो ऑस्ट्रेलिया में भी अशर किया करते थे वो फील जो है यहाँ पे $16 per hour ऑन एवरेज शुरू में पे कर रही है या $15 एंड दैट इज डेफिनेटली क्वाइट स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट ही हैज ऑलरेडी गॉट इन उबर ईट्स, राइट। एग्जैक्टली सही बात है, और फिर टाइमिंग भी मेरी अपनी मर्जी का है, कम टाइम के अंदर अगर मेरे 5 घंटे में सोचो $100 बन जाते हैं तो वर्सेस 10 घंटे में मैं $100 क्यों बनाऊं। एक्जेक्टली, तो आप लोग जब बार बार बोलते हैं कि जॉब क्या करें जॉब क्या करें, जॉब इज नॉट ऑलवेज द इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब आगे जाके अगर जॉब होती तो वील डेफिनेटली लेट यू नो, बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी अच्छी सैलरी मिलेगी डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। जैसे सना ने बोला कि सेल्फ एम्प्लॉयड काम, तो पूरी दुनिया में लोग जो है वो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए लिटरली जो है वो हजारों लाखों डॉलर छाप रहे हैं अमेजोन से दराज से यहाँ से वहाँ से, तो मैंने भी अब अपना वो Amazon FBA का अकाउंट बनवा लिया है, बट आगे जाके जैसे भी मैं मतलब उसके अंदर साइन ऑन करूंगा अपने प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करूंगा चीजें करूंगा, आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी थोड़ा बहुत, आपसे जो है वो फीडबैक चाहिए होगा, और इंशाल्लाह आगे चल के चीजें करेंगे। मतलब अब यार दुनिया में 9 to 5 वाला कल्चर खत्म हो गया। सो अब हम बात करते हैं कि उबर ईट्स के लिए आपको अगर टोरंटो में अगर आप चलाना चाहते हो, मतलब मिल्टन मिसिसागा ओकविल बर्लिंगटन और हर जगह पे, मतलब टोरंटो की अगर ओवरऑल बात करूं मैं ओंटेरियो की, तो यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो मेरे मामले में हुआ यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे चाहिए होता है जी फुल लाइसेंस, जो उबर ईट्स की रिक्वायरमेंट थी, उबर एक्स का भी यही है सेम रिक्वायरमेंट, साथ ही में आपको जो है वो एक गाड़ी चाहिए होती है, गाड़ी आपकी तकरीबन 15-20 साल पुरानी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 20 साल पुरानी होनी चाहिए, कोई सी भी गाड़ी हो, मतलब 2-door गाड़ी हो 4-door गाड़ी हो डजंट मैटर, एसयूवी हो छोटी हो हैचबैक सेडान कोई सी भी आप गाड़ी ले सकते हो, कोई सी भी मॉडल की गाड़ी ले सकते हो, टोयोटा होंडा मजदा जैसे मेरे पास है अजदा मतलब सॉरी मजदा की बात कर रहा हूँ, वो गाड़ी सही होनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, आपका जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका उसके ऊपर क्लियरली नाम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो इंश्योरेंस का जो एक मंझन है कनाडा में वो एक डिफरेंट चीज है, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि इंश्योरेंस के लिए ऐसे भी कुछ कंपनियां होती हैं कि उबर ईट्स करना उबर एक्स करना वो अलाउ करती हैं कुछ नहीं करती हैं। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि ये दो सिनेरियो
सिनेरियोज होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मतलब वो प्राइवेटली कॉम्प्रीहेंसिव जो है वो इंश्योरेंस ले लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कनाडा के अंदर बहुत महंगी पड़ती है एज कम्पेयर टू अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं। ऑस्ट्रेलिया में तो $15-20 जो है वो जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है शुड बी मोर देन इनफ होती है, मतलब उबर ईट्स करने के लिए, उबर एक्स करने के लिए आपको कॉम्प्रीहेंसिव चाहिए होती है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ टोरंटो की, तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम इंश्योरेंस भी होगी तकरीबन समझ लो अराउंड $300 पर मंथ के हिसाब से आपको लेनी पड़ती है। सो वो लाजमी होती है, आपको इंश्योरेंस के बगैर आप मतलब कुछ भी कोई काम नहीं कर सकते, ना गाड़ी रख सकते ना गाड़ी खरीद सकते हैं, और ना ही जो है वो उबर ईट्स और उबर एक्स या कोई भी ऐसी जो है वो स्किप द डिशेस कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते। सो जैसे ये चीजें आपके पास आ जाती है तो उबर ईट्स वाले कहते हैं ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन आप अपलोड कर दे उबर जो ऐप होती है, उबर ईट्स की जो ऐप होती है ड्राइवर उबर ड्राइवर ऐप, उसमें ये तमाम चीजें आप अपलोड कर देते हैं, गाड़ी का किसी भी तरह का कोई इंस्पेक्शन नहीं होता और यू आर गुड टू गो। साथ ही में आपका बैकग्राउंड चेक होता है जो कि आपने लाइसेंस की डिटेल और अपनी पीआर की डिटेल और जो भी आपके पास वर्क परमिट या स्टूडेंट वगैरह जो भी होगी आईडी, तमाम डिटेल आपकी बैकग्राउंड चेक के अंदर आ जाती है। तो बैकग्राउंड चेक आपका ऑनलाइन ही हो जाता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते। उबर का अकाउंट बनाने में भी किसी तरह की कोई पैसे नहीं लगते, कुछ लोग ये होते हैं कि मतलब कहां पैसे खर्च हो रहे हैं कहां नहीं हो रहे किसी तरह के कोई पैसे नहीं लगते, एज लॉन्ग एज कि आपके पास गाड़ी हो आपके पास लाइसेंस हो यू आर गुड टू गो। बस यही चीजें तमाम चीजें आप अपनी जो है वो उबर ऐप के अंदर अपलोड करें, 2-3 दिन के अंदर जो उबर ईट्स का आपका अकाउंट अपडेट हो जाता है और आप ऑनलाइन करें और आप चले जाएं मतलब। और इसमें ये भी नहीं होता इसके द डिशेस की तरह कि आपको कोई पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ऑनलाइन होना होगा, कोई पर्टिकुलर डेट में होगा या कोई पर्टिकुलर इलाका होगा, जो लोग नए आने वाले मैं उनको ये बता देता हूँ स्पेशली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कुछ नहीं होता था, बट वहां पे और यहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो ऑलरेडी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि आपको मतलब कितने पैसे आपको बन सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह सिस्टम में अपडेट होती है।